हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझेंगे और इसके साथ ही साथ मैपिंग्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इन सब में क्या डिफरेंस होती है, या आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ जाइएगा, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको समझ में नहीं आती, जिसके कारण आप पूरा ज्योग्राफी जो है आप रट के पार करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम इन सब के कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकी से देखेंगे। देखिए, जब भी हम लोग मैप्स देखते हैं तो हमें दो तरफ की मैप दिखाई देती है। ये पहला मैप है और दूसरा मैप इस तरह की। इस मैप में आप देखिएगा तो इस मैप को कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप, वेरेस इस मैप को हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। इस मैप में देखिए जो कलरफुल जो है, जो कलर्स में है, ये सभी कंटिनेंट्स हैं, और वही ये जो वाटर बॉडीज है, ये ब्लू कलर्स, दीज आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। तो हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखिए, ये हमारा है प्यारा भारत, इंडिया। और इसके अगर हम नॉर्थ में जाए, देखिए मैपिंग्स में सबसे पहले आप एक चीज़ समझ, डायरेक्शंस को समझ लीजिए। ये जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ईस्ट, इधर जाएंगे तो वेस्ट, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ और नीचे जाएंगे तो साउथ। इस चीज़ को आप गांठ बांध के याद कर लीजिए कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। पहला चीज़ हम इस चीज़ में सीखें। अब सेकंड चीज़ हम सीखते हैं, मैंने बताया जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है, तो अगर हम इंडिया से ऊपर जाए, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ में जाए, तो हमें क्या मिलेगा, रशिया मिलेगा। और हम जानते हैं इंडिया एशिया का पार्ट है, तो ये हमारा हुआ एशिया। और अगर हम एशिया से साउथ जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया से भी साउथ जाए तो हमें मिलेगा ए, अंटार्कटिका। और अगर हम अंटार्कटिका से नॉर्थ जाए तो हमें मिलेगा अफ्रीका। देखिए, ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे क्या है, एशिया। एशिया से अगर हम साउथ जाए तो हमें क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से और साउथ जाए तो हमें क्या मिलेगा, अंटार्कटिका। और अगर हम इससे नॉर्थ जाए तो हमें अफ्रीका मिलेगा। तो हमने क्या जाना, 4A। ये आपका दिमाग में बैठ जाए, जब भी मैं कहूँ तो आप फटाक से आप बोल दीजिए, यहाँ एशिया, इससे नीचे ऑस्ट्रेलिया, इससे नीचे, इसके नीचे अंटार्कटिका, इसके ऊपर अफ्रीका। अब हम फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये चार बॉडीज हमने अभी देखा है, फोर्थ को हम लोग देख रहे हैं। अगर हम अफ्रीका से हम नॉर्थ जाए तो हमें मिलेगा यूरोप, ठीक है। और अगर यूरोप और अफ्रीका, ये यूरोप हुआ, ये अफ्रीका हुआ, इससे अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो हमें ये नॉर्थ अमेरिका और ये हमें साउथ अफ्रीका मिलेगी, ठीक है। इतना हमने समझ लिया, तो मैं फिर आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको अगर कहूँ कि ये क्या है, तो ये एशिया, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका, यहाँ पे हमारा अफ्रीका, ऊपर हमारा यूरोप, ये हमारा नॉर्थ, यहाँ लेते हुए अमेरिका, और ये हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अगर मुझे पूछे आपको कि नॉर्थ में क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, नॉर्थ अमेरिका। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, एक सेकंड, हाँ, सेकंड चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसको भी इरेट कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। ये वाटर बॉडीज है, और वाटर बॉडीज देखिए दो चीज़ें हैं। एक आप इंडिया को देखिए, फिर से हम अपना प्यारा इंडिया में आए, प्यारा भारत में आए। यहाँ पे आप देखिएगा, इस जगह पे हमारा है, और एक इस जगह पे, यहाँ पे लक्षद्वीप आता है, और इस जगह पे अंडमान एंड निकोबार आता है, और ये जो हमारा एशिया है, तो इन सभी को हम लोग कहते हैं आइलैंड, आइसलैंड। और ये जितना है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सभी हमारा कंटिनेंट है। ये आइलैंड भी जो है वो वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है, और ये कंटिनेंट भी है वो वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ये आइलैंड है वो स्मॉल लैंड मासेस है जो कि वाटर से पूरी तरह से सराउंडेड होते हैं, और वही कंटिनेंट लार्ज लैंड मासेस विच आर सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड कंटिनेंट। तो अगर हम कहें ग्रीनलैंड, तो ये ग्रीनलैंड क्या है? ये ग्रीनलैंड भी आइलैंड्स में आता है, लेकिन इसका तो लैंड मास काफ़ी बड़ा है। तो इसको हम क्लासीफाई किस तरह से करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, आइलैंड्स जितने हैं सभी आइलैंड्स में वेदर सेम होता है, क्योंकि इधर हम देखेंगे अंडमान निकोबार और इधर जो हम लक्षद्वीप है, ये काफ़ी इसका इनका एक्सटेंशन, फिजिकल एक्सटेंशन काफ़ी कम है, जिसके कारण यहाँ पे वेदर सेम मिलेगा। इस चीज़ को हम समझेंगे जब हम सीजन के लेक्चर्स देखेंगे, तो हम समझेंगे कि सीजन्स क्यों चेंज होते हैं। और वहीं हम जब ग्रीनलैंड को समझेंगे, तो हम ये चूँकि ये नॉर्थ पोल पे है, इसीलिए यहाँ पे भी जो है हमारा वेदर है वो सेम होगा। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, लेकिन एक चीज़ अभी आप समझ लीजिए कि कंटिनेंट जिसमें कि लार्ज लैंड मासेस है और वो वाटर बॉडी से सराउंडेड है, और वहाँ हर एक पार्ट में सेम वेदर नहीं होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ों को हमने अभी समझ लिया। और वहीं अगर हम इस तरह के मैप्स देखेंगे, तो देखिए इनमें क्या है, इनमें आपको क्या कहीं पे एशिया दिख रहा है या कहीं पे इंडिया दिख रहा है? क्या यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है? क्या यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या इन सभी कंट्री में ब्राज़ील लिखा हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। क्या यहाँ अफ्रीका के कोई कंट्री से लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या यहाँ चाइना लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है चाइना। इधर रसिया कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इन सभी मैप्स को हम लोग फिजिकल मैप्स कहेंगे, क्योंकि इनमें स्टेट्स के नाम नहीं रहते या उनके सिटीज़ के, उनके कैपिटल्स के। इसमें फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, कौन लेक, रिवर्स, इस तरह के स्ट्रेट, इस्थमस, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ रहता है। तो जब भी आप इस तरह का मैप देखिए, तो आप समझ जाइए कि ये हमारा एक सेकेंड, हाँ ये हमारा फिजिकल मैप है, जबकि ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। तो हमने अभी तक देखा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अगर मैं आपको कह दूँ कि ये क्या है, तो आपका दिमाग में आ जाएगा अफ्रीका। यदि मैं आपको कह दूँ कि यदि हमें अफ्रीका से वेस्ट जाना है, तो कौन सा कंटिनेंट मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जनरली साउथ अमेरिका, क्योंकि ये तो आपका। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको पूछ दूँ कि ये एशिया, एशिया से हम किस डायरेक्शन में जाए, तो हमें ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो इस तरह से आप मैप खींच लीजिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो एशिया से हम साउथ जाएंगे तो मिलेगा, ये चीज़ हम समझ गए। अब एक चीज़ और समझते हैं, चूँकि मैंने देखा कि ये सभी जो है हमारा वाटर बॉडीज है, ठीक है। तो ये वाटर बॉडी है, इसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। इस इंडिया का अगर हम साउथ में जाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशियन। इस अफ्रीका का अगर हम वेस्ट में जाएं, या इस नॉर्थ अमेरिका और इस साउथ अमेरिका का ईस्ट में जाएं, तो हमें मिलेगा अंटार्कटिका। और वही हम ये जो है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह से फिजिकल मैप है, जो हम लोग मैप जो हम लोग अपना दीवार में चिपकाते हैं। तो इसको अगर हमें ग्लोब बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंड को और इस एंड को अगर हम मिला दें, तो हमारा इस तरह का शेप बन जाएगा, एक सिलेंड्रिकल शेप। और यदि हम इसके इस एंड को इधर से मिला दें, इधर से मिला दें, कुछ हमारा ग्लोब का साइज का मिल जाएगा। तो ये पैसिफिक ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन, ये दोनों एक तरह से उसी का एक्सटेंशन है। अगर हम इसको, आप एज्यूम कीजिए इस चीज़ को कि ये अगर पीछे चला जाए, इसको हम मोड़ के अगर हम सिलेंडर बना दिए, तो आपने, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले बताइए, फाइंड द ऑड वन, आपको ऑड वन बताना है। मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, आप देखिए एशिया,
सेकेंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड ऑप्शन मैं आपको दूंगा वो दूंगा अफ्रीका। इसमें से आप ऑड वन बताइए, एशिया, अफ्रीका एंड ये हमारा, चलिए एशिया फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड अफ्रीका है और थर्ड आप लोग ऑस्ट्रेलिया रख लीजिए। तो देखिए ये एशिया है, ये क्या है, ये पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो वो भी हमारा पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या ये अफ्रीका पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारा अफ्रीका ऑड वन हो जाएगा। अब हम और कुछ चीज़ों को समझते हैं। यदि हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज देखें तब क्या आएगा, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कंटिनेंट वो हमारा एशिया कंटिनेंट है। फिर क्या आएगा, आप यहाँ से देखिए आपको समझ में आ जाएगा, एशिया के बाद सेकेंड नंबर वो आ जाएगा हमारा अफ्रीका, फर्स्ट सेकेंड अफ्रीका, थर्ड हमारा क्या आएगा, थर्ड हमारा आएगा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ बताइए आप लोग। तो फिफ्थ जो है यहाँ पे इस पिक्चर में नहीं है, वो जो मैंने आपको पॉलिटिकल मैप बताया था उसमें है, यहाँ पे अंटार्कटिका है वो फिफ्थ आता है। सिक्स्थ हमारा यूरोप और सबसे छोटा वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यदि आपको असेंडिंग ऑर्डर में बोल दिया जाए कि आप बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? एसेंड, देखिए ये सब चीज़ बहुत माइनर चीज़ें, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल से लार्ज, वहीं अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो लार्ज टू स्मॉल। तो मैंने आपको पूछा असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, यूरोप आएगा, फिर हमारा अंटार्कटिका आएगा, फिर हमारा साउथ अमेरिका, फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका, फिर हमारा अफ्रीका, फिर हमारा एशिया। ये चीज़ आपने समझ गया। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। अगर आपको पूछ दिया जाए कि पॉपुलेशन के आधार पे बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? तो पॉपुलेशन के आधार पे जो फर्स्ट आता है, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, वो आता है एशिया, सेकेंड अफ्रीका। यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा सेम है। जो अगर हम एरिया वाइज देखें तो वही फर्स्ट सेकेंड आएगा, और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो, लेकिन यहाँ से चेंजेज है, ये तीसरा नंबर पे हमारा यूरोप आ जाएगा अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो, फोर्थ में नॉर्थ अमेरिका, ये जो हमारा यूएसए कनाडा का एरिया है वो आएगा, फिफ्थ नंबर पे तब हमारा साउथ अमेरिका आ जाएगा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जो ये सब एरिया आती है। सिक्स नंबर में क्या आएगा, तो सिक्स नंबर में देखिए अब आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो अंटार्कटिका है यहाँ कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, तो ये सेवन्थ में हमारा अंटार्कटिका आ जाएगा। तो मैं आपको पूछ दूँ कि टोटल कितने कंटिनेंट्स हैं, तो आप क्या बोलिएगा? टोटल सेवन कंटिनेंट्स। क्या किया, फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, थर्ड यूरोप, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ अंटार्कटिका, ठीक है। यदि मैं आपको पूछ दूँ कि कितने ओशियन हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो मैं बता रहा हूँ, देखिए फर्स्ट पैसिफिक ओशियन, सेकेंड इंडियन ओशियन, थर्ड अंटार्कटिका, ठीक है, फोर्थ आर्कटिक ओशियन, ऊपर में आर्कटिक ओशियन है हमारा, ये इसमें दिख नहीं रहा है, और फिफ्थ ये साउथर्न ओशियन जो है, इसको हम लोग अंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं। टोटल फाइव ओशियन है, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब देखिए ये पैसिफिक ओशियन कहा जाता है कि इसका साइज ओ है, क्यों है? देखिए ये आप देखिए, ये इस तरह से है और ये साइज जो इस तरह से, इन दोनों को आप मिला दीजिएगा तो आपका ओ शेप बन जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ दे कि कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका साइज एस है, तो ये आप हमारा अटलांटिक ओशियन। यदि आपको पूछ दिया जाए कि कौन सा ओशियन है जिसका शेप ट्रायंगल है, तो वो हमारा इंडियन ओशियन, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको आँख मूंद के अगर पूछ दिया जाए तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एशिया, इससे नीचे ऑस्ट्रेलिया, इससे नीचे अटलांटिक,
सॉरी अंटार्कटिका, इससे नीचे अफ्रीका, इससे ऊपर यूरोप, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन, ये हमारा अटलांटिक, और यहाँ पे हमारा साउथर्न ओशियन, यह हमारा अंटार्कटिका, यह ऊपर आर्कटिक ओशियन। तो ये आपका दिमाग में बैठ जाए, इसको आप रटने की कोशिश मत कीजिए, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप ज्योग्राफी को जितना समझिएगा उतना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक इतना चीज़ समझ लिया, आपने अभी इसको भी देख लिया, ठीक है, पॉलिटिकल मैप, फिर आपने फिजिकल मैप को भी देखा, और उसके बाद हमने इन सब चीज़ को भी देख लिया है कि क्या कंटिनेंट होता है, क्या ओशियन होता है, और किस तरह से हम लोग डायरेक्शंस को देखेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, और वो है हमारा, देखिए समझिए, ये हमारा है ग्लोब, ये हमारा है अर्थ। अगर हम इस डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएं, ये टोटल लेंथ देखें, ये टोटल लेंथ जो है हमारा, और हम ऊपर देखिए, यहाँ पर नहीं आ रहा है, सॉरी, बट ये हमारा नॉर्थ पोल, क्योंकि हम देखिए डायरेक्शंस देखें तो ये हमारा क्या डायरेक्शंस आया, ईस्ट, ये क्या वेस्ट, ऊपर क्या नॉर्थ, और नीचे क्या साउथ। तो हम अगर ईस्ट टू वेस्ट का अगर हम टोटल लेंथ देखें तो वह आता है 12756 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएँ, अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएं तो इसका टोटल लेंथ 12714 किलोमीटर। तो इस लेंथ को, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभी कि इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, तो इस इक्वेटर, तो इसको क्या हम कह दूँ, इक्वेटोरियल डायमीटर 12756 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं, ये चूंकि हमारा पोल है नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल है, तो क्या मैं इसको कह दूं कि पोलर डायमीटर हमारा 12714 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, एक स्टेटमेंट बना के दे रहा हूं, इक्वेटोरियल डायमीटर इज लेस देन पोलर डायमीटर, क्या ये राइट है, बताइए। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, क्या इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर से लेस है, तो आंसर बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि इक्वेटोरियल डायमीटर ज़्यादा होता है और पोलर डायमीटर कम होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं, अब हम जानते हैं कि अर्थ, एक अगर मैं शेप बताऊँ ये क्या है, तो आप बता दीजिएगा ये रेक्टेंगल है। यदि मैं आपको और एक शेप बताऊँ ये क्या है, तो आप बता दीजिएगा ये स्फीयर है। यदि मैं आपको पूछूं कि ये क्या है, तो आप बता दीजिएगा ये ट्रायंगल है। इसी तरह जब ज्योग्राफर ने से पूछा गया, हम लोग पहले सोचते थे कि अर्थ गोल है, ये तो आप लोग बचपन में पढ़े थे कि अर्थ गोल है, लेकिन फिर आप हमें पता चला कि नहीं, अर्थ गोल नहीं, अर्थ चपटा है, चपटा, अर्थ चपटा है, ठीक है। तो इस शेप को हम लोग कहते हैं ऑब्लेट स्पेयर, ऑबलेट स्पेयर, ठीक है, ऑबलेट स्पेयर। अब ज्योग्राफर ने इसका एक स्पेशल नाम दिया जिसको हम कहते हैं जियो जुएट, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम एक चीज़ आप गांठ बांध के रख लीजिए कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, आर ओ टी रोटेट करता है, ठीक है। तो यदि आपको अर्थ का डायरेक्शंस पूछा जाए और आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्या अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं जी बिल्कुल गलत है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। तो जब अर्थ वेस्ट टू, देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। तो जब अर्थ मूव करता है तो हम जानते हैं कि एक सेंट्रिपिटल फोर्स सेंटर से लगता है, और इस सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण, के मूवमेंट के कारण, ये जो है ये इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा हो गया, और जब ये इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक है कि चपटा हो जाएगा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
मीन्स ये फ्लैट हो जाएगा, अर्थ नाउथ नॉर्थ पोल, एक सेकेंड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। चलिए अब मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे यहाँ से बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझिए, 1 मिनट यार। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो बेसिक चीज़ है। आप लोगों ने ये सब नाम बहुत सुना है, ये लेटीट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ये लेटीट्यूडनल लाइन, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लेकिन इस चीज़ को आप लोग समझ नहीं पाते। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसके डिफरेंस को मीन्स आप लोग एज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग आप समझेंगे। देखिए, इस लेटीट्यूड इसका अर्थ होता है अक्षांश, लॉन्गिट्यूड इसका हिंदी होता है देशांतर। तो बेसिक है कि लेटीट्यूडनल लाइंस का हिंदी क्या होगा, अक्षांश रेखाएं, और वही लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप देखिए, ये हमारा मैप है जो हम लोग दीवार में चिपकाते हैं, और यहाँ से एक लाइन जाती है, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटर लाइन। देखिए, जब हम सीजन्स का अपना लेक्चर्स देखेंगे तो इक्वेटर, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब क्या लाइन्स है, ये सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे एकदम बेसिक से। क्यों आखिर आखिर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ही क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आगे 23.5 डिग्री साउथ में ही क्यों हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, 66.5 डिग्री साउथ में क्या है, और ये यहीं पे क्यों है, इन सब चीज़ को समझेंगे। लेकिन थोड़ा आप मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि ये हमारा ईस्ट हुआ, ये हमारा वेस्ट हुआ, ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये हमारा साउथ हुआ, ठीक है, और ये हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर है, इक्वेटर है। यदि मैं आपको कह दूँ कि राम, राम इस प्लेस पे, तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो इसके लिए हमें दो लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक पड़ेगी वर्टिकल लाइंस। हमने ये सब चीज़ ज्योमेट्री में पढ़ा है, ठीक है, तो ये दो लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी लाइन तो हम लोग जाके बना के तो नहीं आए हैं कि मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा है, मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा है, नहीं, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। तो दो इमेजिनरी लाइंस हम एज्यूम करते हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल खींचे तो दीज लाइन्स आर लेटीट्यूडनल लाइन्स, ठीक है, और वही यदि हम वर्टिकल लाइन खींचे तो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। तो यदि मैं पूछ दूं कि क्या ये लेटीट्यूड है, तो आप बोलिएगा नहीं, दीज आर लेटीट्यूडनल लाइन्स। आज से मैं अगर पूछूं कि क्या लेटीट्यूड और लेटीट्यूडल लाइन्स बोथ आर सेम, बिल्कुल नहीं। यदि मैं आपको पूछूं कि क्या लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल लाइन्स दीज आर सेम, तो बिल्कुल नहीं, आपको नहीं में जवाब देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो आप अब सवाल पूछेगा कि ठीक है ये तो सही है, लेकिन ये लेटीट्यूड क्या होता है, तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज लेटीट्यूड। देखिए यहाँ से समझिए, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ को मैंने इस तरह से दो भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा हुआ अर्थ का सेंटर, ये हमारा 0 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ एक एंगल खींच दूँ यहाँ पे, सपोज, तो ये हमारा दो एंगल, ये हमारा 10 डिग्री, ये हमारा 20 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, अब यहाँ से आप समझिए, ये हमारा 0 डिग्री, तो ये जो एंगल्स हैं अर्थ के सेंटर से खींचे गए इमेजिनरी एंगल्स जो हमें नहीं दिखता है, इन एंगल्स को हम लोग कहते हैं लेटीट्यूड, ठीक है, ये आप समझ गए। तो देखिए, ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ कि कितने मैक्सिमम एंगल्स खींचे जा सकते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, 0, 1, 2, 3 या 90। अगर मैं पूछूं
ये नॉर्थ इक्वेटर का ऊपर, ये साउथ, तो साउथ डायरेक्शन में भी 90 एंगल्स खींच सकते हैं, तो साउथ डायरेक्शन में भी 90। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए, तो आप लोग मुझे पूछिएगा कि इधर भी तो हम लोग एंगल्स खींच सकते हैं, इस साइड जो मैं इस साइड जो दिखा रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए। मैंने यहाँ से एक एंगल्स खींचा, एक एंगल, ठीक है, दिस आर लेटिट्यूड, और ये लाइन जो यहाँ जाएगी, और ये क्या घूम के यहाँ नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ये यहाँ मैंने खींचा, ये क्या घूम के यहाँ नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ये यहाँ खींचा, ये क्या घूम के यहाँ नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं पूछूं कि नॉर्थ में कितने लेटिट्यूड, तो आप कहिएगा नॉर्थ में 90, ठीक है, और इधर 90 एंड 10 डिग्री, तो कितने टोटल लेटिट्यूड्स हैं? तो इसका जवाब है 181, ठीक है, लेटिट्यूड्स। और वहीं मैं पूछूं कि कितने लेटिट्यूडनल लाइंस हैं, तो इसका आंसर होगा 179। अरे आप पूछिएगा ये क्या हुआ, ये दो कहाँ चला गया? तो आप समझिए, मैंने एक खींचा लाइन्स, दो, तीन, चार, जब ये 90 डिग्री आएगा, तो देखिए ये 90 डिग्री एकदम पोल पे बन रहा है, तो ये लाइन्स यदि ये लास्ट में घटते घटते ये पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट, तो ये जो दो लाइन्स है, ये दो लाइन से नहीं बनती, ये दोनों पॉइंट से बनती है। तो हम 181 में 2 माइनस करते हैं, तो 179, ये हमारा लेटिट्यूडनल लाइन्स है। ये हम पहली चीज समझे। अब हम नेक्स्ट चीज समझते हैं। यदि मैं कहूं कि क्या दीज आर पैरेलल लाइंस, आप बोलिएगा बिल्कुल दीज आर पैरेलल लाइंस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ठीक है, फर्स्ट चीज, और सभी 1 डिग्री के ये पे खींचा। देखिए हम तो, आप अब बोलिएगा कि हाँ हाफ डिग्री में क्यों नहीं आप खींच रहे, घींचा तो जा सकता है, लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल, अगर हम किसी को मैपिंग में आपको बोले कि इस जगह का क्या लेट आपका लोकेशन है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री में ही हमने लिया हुआ है। और इस तरह से टोटल हमने देखा कि 181 लेटिट्यूड्स एंड 179 लेटिट्यूडनल लाइंस है, एंड दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि क्या मैं इसको एक ग्रेट सर्कल बोल दूँ, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल, सॉरी मीन सर्कल, तो सबसे बड़ा सर्कल कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे होगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे ये सर्कल छोटा होते जा रहा है, सर्कल का पेरीमीटर छोटा होगा, और लास्ट में ये पॉइंट में आ जाएगा नॉर्थ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो सर्कल होगा उसको हम कहेंगे ग्रेट सर्कल। ये चीज़ हमने समझ लिया। ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री, तो ये 0 डिग्री और 1 डिग्री, अगर मैं कहूँ कि दिस इज राम, और वो 0 डिग्री से 1 डिग्री तक पैदल चलता है, तो उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय किया? तो 2 लॉन्ग लेटिट्यूड ना लाइंस के बीच का डिफरेंस 1 1 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो मैं कहूँ आपको कि आपको 0 डिग्री से 3 डिग्री जाना है या 5 डिग्री जाना है, तो आपने कितना किलोमीटर चला? तो इसका आंसर होगा 5 5 5 किलोमीटर। एंड दीज आर पैरेलल लाइंस, इक्वी पैरेलल लाइंस, इसीलिए सबके बीच का गैप सेम होगा। इस चीज़ को आपने समझ लिया, और आपने इस चीज़ को भी समझा कि यदि हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, तो ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है ये धीरे धीरे घटते जाएगा, और यदि हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वो इंक्रीज करेगा। इतना हमने समझ लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करने की का कोशिश कीजिए। 1 मिनट, यस, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऑड 1 आपको ये करना है, इन केस ऑफ लेटिट्यूड, ठीक है, लेटिट्यूड के केस में मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, 23 डिग्री नॉर्थ, सेकंड है 50 डिग्री साउथ, थर्ड ऑप्शन है 100 डिग्री नॉर्थ, एंड फोर्थ क्वेश्चन है 89 डिग्री साउथ,
1, 2, 3, आपको उसमें ऑड वन करना है। देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सीधे आप प्लॉट कीजिए, क्या आप 23 डिग्री नॉर्थ आप प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल, ऊपर तो 90 तक जाता है, कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं 50 डिग्री साउथ तो बिल्कुल इक्वेटर लाइंस के नीचे हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं 89 डिग्री साउथ तो बिल्कुल मैं प्लॉट कर सकता हूँ, लेकिन 100 डिग्री नॉर्थ, क्या आप 100 डिग्री नॉर्थ प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम 90 डिग्री तक ही जाता है। तो 100 डिग्री नॉर्थ इस तरह से आप प्लॉट करके इसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ। तो हमने, अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज लेटिट्यूड और व्हाट इज लेटिट्यूडल लाइंस, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कितने लेटिट्यूड लाइंस है, कितने लेटिट्यूडल लाइंस है, ग्रेट सर्कल क्या होता है, यदि हम इक्वेटर से पोलर की तरफ जाएंगे तो सर्कुलर अरेंजमेंट है वो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, इन सब चीज़ों में आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग, हमने लेटिट्यूड समझ लिया, हमने लॉन्गिट्यूड समझ लिया, हमने लेटिट्यूडल लाइन समझ लिया, अब हम लॉन्गिट्यूड को समझते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड क्या है, यदि मैं आपको एक चीज़ पूछूं कि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, ये इस जगह पे आप 10 डिग्री नॉर्थ पे राम है, तो ये इक्वेटर हुआ, ये 0 डिग्री 1 डिग्री, इस तरह आपने 10 डिग्री पे पहुंच गया, तो यहाँ पे है एक राम कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ पे आप बताइए, ये चीज़ तो आपको पता नहीं है। तो इसके लिए एक वर्टिकल लाइन की ज़रूरत है, एक वर्टिकल लाइन की ज़रूरत है जिससे कि हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम बता सकते हैं। तो देन दिस वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये पहला चीज़ हमने सीखा। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिस तरह हमने कहा कि 0 डिग्री इक्वेटर है, उस तरह ये हमारा 0 डिग्री जो है वो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और इसके इधर अगर हम जाएंगे तो ये हमारा ईस्ट हुआ, और अगर इसके इधर जाएंगे तो ये हमारा वेस्ट हुआ। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब देखिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इस तरह से हम जाएंगे 179 डिग्री तक, ठीक है। और इधर 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, इस तरह से हम यहाँ जाएंगे 179 डिग्री वेस्ट तक, ठीक है। तो यदि मैं आपको पूछूं कि आप प्लॉट कीजिए 270 डिग्री वेस्ट, तो आप क्या प्लॉट कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो मींस 179 डिग्री तक, 180 डिग्री तक एक्चुअली होता है, और ये 180 डिग्री है, लेकिन मैं फिर से आपको जो चीज़ मैंने आपको बताया था कि यदि मैं इस एंड को और इस एंड को मैच कर दूं तो हमारा एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए। और चूंकि हमारा अर्थ राउंड है, देखिए मैं यहाँ पे सपोज बना रहा हूँ, ये हमारा ये इस रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से टोटल 360 लॉन्गिट्यूड से, क्योंकि इधर 180 ईस्ट में और वेस्ट में 180, ठीक है। अब ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो हमें एक इन सबको मैं मिलाऊँगा, मुझे ग्लोब बनाना है, तो ये हमारा ग्लोब बन जाएगा, इधर मैं साउथ में मिलाऊंगा, ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक ग्लोब बन गया, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये आपका इस तरह का लाइंस बनते हैं, ठीक है, इस तरह का ये हमारा 0 डिग्री है। तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये इक्वेटर के पास इसका डायमीटर आके बढ़ जा रहा है, वहीं अब धीरे धीरे हम जैसे पोल जाएंगे वैसे वैसे ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का जो गैप है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला चीज़ हम लोग एज्यूम किए। तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का मैक्सिमम जो आपका हमारा डिफरेंस है वो 111.3 किलोमीटर होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेटिट्यूड, लेटिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को आप लोग समझ गए होंगे। लेटिट्यूड्स, लेटिट्यूडनल लाइंस, एंगल्स, अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड का एक
फिगर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है एक सेकेंड। यह हमने लेटिट्यूड देखा था, ये देखिए हमने यहाँ क्या किया, हमने इस अर्थ को फ्लैट इस तरह से काट लिया है, ठीक है। यह हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये हम 1 डिग्री जाएंगे, 2 डिग्री जाएंगे, 3 डिग्री ईस्ट जाएंगे, 4 डिग्री वेस्ट जाएंगे, इस तरह 180 डिग्री तक जा सकते हैं। उसी तरह हम इधर भी जा सकते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180 डिग्री वेस्ट, जितना आप लोग समझ गए। अब हम समझ, मैंने जिस तरह आपको लेटिट्यूड में बताया था उस चीज़ को समझिए। मैंने ग्रेट सर्कल बताया था कि एक प्योर सर्कुलर होता है, लेकिन क्या लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए इधर 0 डिग्री है। ऐसे तो आप बोलने को बोल सकते हैं कि पूरा एक लाइन है, लेकिन इधर अगर 0 डिग्री है तो उसका ऑपोजिट में 180 डिग्री है। अगर इधर 1 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट में 179 डिग्री है। अगर इधर 2 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट में 178 डिग्री है। तो दीज आर हाफ सर्कल्स, हाफ सर्कल, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इसका परफेक्ट वर्ड है, ठीक है। और यदि मैं पूछूं कि इसका रिप्रेजेंटेशन ईस्ट और वेस्ट, अगर मैं पूछूं ऑड वन करके कुछ ऑप्शंस दूं, इतना डिग्री ईस्ट, इतना डिग्री वेस्ट, इतना डिग्री, और यहाँ मैं नॉर्थ लगा दूं तो गलत होगा। अगर मैं 360 प्लस अगर कर दूं, 360 क्यों, मैं अगर लिख दूं 360 नहीं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट, 95 डिग्री वेस्ट, 185 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री नॉर्थ, इसमें से कौन लॉन्गिट्यूड के लिए करेक्ट है? तो हम 90 डिग्री ईस्ट को प्लॉट कर सकते हैं, 90 डिग्री वेस्ट को, क्या मैं 185 डिग्री ईस्ट को प्लॉट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं ईस्ट में जाऊँगा तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 180 तक ही मैं जा रहा हूँ, और इधर ये 180 डिग्री वेस्ट तक, तो ये नहीं प्लॉट कर सकता हूँ। और 90 डिग्री नॉर्थ तो मैं लेटिट्यूड के लिए मैं प्लॉट कर सकता हूँ, लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में मैं अगर ऑप्शंस में दूँ तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस चीज़ को हमने समझ लिया। तो देखिए मैं क्या क्या समझाऊँ, मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ प्रेजेंटेशन में, ठीक है। हमने लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को हमने समझ लिया। अब हम पूरी तरह से कर सकता हूँ, मैं अगर बोल दूँ कि इस जगह पे 10 डिग्री नॉर्थ पे एक पर्सन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओके यहाँ जाओ एक सेकंड, हाँ मैं अगर बोलूँ आपको कि वन पर्सन है जो जो 10 डिग्री नॉर्थ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री साउथ पे, साउथ पे, तो क्या आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं? बताइए कहाँ पे होगा। सबसे पहले हम 10 डिग्री सब साउथ देंगे, 50 डिग्री साउथ जाऊँगा, तो ये 0 डिग्री हुआ, साउथ इधर है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 50 डिग्री है। उसके बाद में सेकंड क्या है, वेस्ट 10 डिग्री, तो ये ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट हुआ, तो मैं इधर 10 डिग्री वेस्ट जाऊँगा इस जगह पे, तो इस जगह पे उसका प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग मैपिंग करेंगे, इस चीज़ को हम समझ गए। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, ये भी हमने देखा, ये भी देखा, ये भी हम देखे। देखिए ये जो फिगर है, ये हमारा लेटिट्यूडनल लाइंस के लिए, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के लिए, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी आप देखिए, इसमें 3D पिक्चर से इसका, इस चीज़ को आप समझ जाइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रहा, देखिए अगर हम लॉन्गिट्यूड के केस में देखें तो ये अगर 0 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट 180 डिग्री होगा। देखिए इसका ऑपोजिट, ये लाइन जो है, मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहा, एक सेकेंड मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने का, अब हुआ, हाँ ये जो है 180 डिग्री है, ये अगर 1 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट में 179, ये अगर 2 डिग्री तो इसके ऑपोजिट में 178 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखिए, ये जो है इसमें देखिए आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे जा रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। तो यदि मैं पूछूं, अब देखिए बहुत बेसिक चीज़ है ये, देखिए ये हमारा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ये 23.5 डिग्री में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, ये हमारा 23.5 डिग्री में के आसपास, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे,
तकरीबन इंडिया के पास, ये कैप्रिकॉन, ये मेरा इक्वेटर हुआ इधर, ठीक है, और ये हमारा आर्कटिक सर्कल इस जगह पे, ठीक है, ये सभी चीज़ हमने देखा, ये 20, और इधर हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ये ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको जाना 66.5 डिग्री, तो आप सीधे जा सकते हैं साउथ में, तो ये देखिए साउथ हुआ, ये तो आपको पता है क्योंकि ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा एक्सेल। व्हाट यू वांट टू इंटरसेंट डिस्कार्ड, ठीक है, कुछ आ गया था, एक सेकेंड यार क्या हुआ, सॉरी फॉर, ठीक है, मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री, ठीक है, अगर मैं इधर ऊपर जाऊं तो ये हमारा नॉर्थ हुआ, अगर मैं नीचे जाऊं तो ये हमारा साउथ हुआ। अब मैं यहाँ बोलूँ 23.5 डिग्री साउथ, तो यहाँ आएगा 66.5 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा, अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ जाए तो ये यहाँ आया, और अगर मैं पूछूँ 23.5 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप एनालिसिस कीजिए कि आप क्या जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम, मैंने देखा ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से एशिया, एशिया से कौन सा लाइन, जो कौन सा सर्कल है वो गुजरती है एशिया से, एशिया नहीं, पहले आप एशिया मत बताइए, पहले आप बताइए साउथ अमेरिका, एक सेकेंड, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ से कौन कौन सर्कल जाएगी, ऑप्शन आपका वही रहेगा, 4 ऑप्शन, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल। तो देखिए यदि मैं कहूँ आपको अफ्रीका में इरेज कर रहा हूँ, तो अफ्रीका से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गया और ट्रॉप इक्वेटर गया, ये 2 लाइन्स गई है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां से गई है, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां से गई, ये अफ्रीका हमारा ये है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नहीं गया। यदि क्या आर्कटिक सर्कल गई, आर्कटिक सर्कल तो बहुत ऊपर है, तो आर्कटिक सर्कल बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप लोग दिमाग में रखिए, इस तरह से आप लोग कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर दे सके। मैं अगर आपको पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां से कौन सा लाइन गई है, तो आप क्या बताइएगा, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई है यहां से, बिल्कुल नहीं गई है, क्या इक्वेटर गई है, बिल्कुल नहीं गई है, तो ये इसका लोकेशन किस जगह है। एक तो आप रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं कि एशिया से साउथ में है, या ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका से ईस्ट में है, इस तरह आप बता सकते हैं, यह हमारा अंटार्कटिका से नॉर्थ में है, ये पहला हुआ, और दूसरा कि किस जगह पे है, किस लेटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड में है, ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ, देखिए कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से गुजरेगी, ये गुजरती है देखिए, ठीक है, तो एशिया से मात्र एक गुजरेगी। यदि मैं पूछूं आपको कि कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों लाइन गुजरती है, तो आप क्या बोलिएगा, आप लोग इसको देखिए और कोशिश कीजिए। देखिए ये हमारा अफ्रीका है, इस अफ्रीका में इक्वेटर, देखिए इक्वेटर लाइन से, और इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो इस अफ्रीका से तीनों जो है लाइंस गुजरती है, ये समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए, वो है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। अगर मैं आपको पूछूँ कि नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन लाइंस गुजरती है, तो देखिए पहला तो एक आर्कटिक सर्कल जो सबसे ऊपर है, ये तो गुजरती ही गुजरती है, और इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जो भारत के आस पास से गुजरती है। इंडिया का केस में आपको सबको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से, और एक क्वेश्चन है कि एशिया से कौन कौन सी लाइन गुजरती है, तो अगर आप नोट कीजिएगा तो देखिए ये आर्कटिक सर्कल गई है, ठीक है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई है जो भारत के पास से गई है, तो पता है क्योंकि भारत हिस्सा है, और ये देखिए इंडोनेशिया यहाँ पे है, और यहाँ से जो है वो इक्वेटर लाइन गई है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिए कि इक्वेटर भी एशिया से गई है जो कि इंडोनेशिया से गुजरती है,
आप लोग समझ गए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। मैं एक बार यहाँ पे ये बता रहा हूँ, आप बताइए कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका अगर वेस्ट में जाए तो कौन सा आपको बॉडी मिलेगा? अटलांटिक मिलेगा, ये इंडियन ओशियन भी इस आपको अफ्रीका से रिलेटेड है, है ना। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया से क्या है, इंडियन ओशन रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ नॉर्थ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका से, अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइए, क्या साउथ अफ्रीका से पैसिफिक ओशियन रिलेटेड है? देखिए ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका नहीं साउथ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका है, इधर अटलांटिक ओशियन इधर पैसिफिक ओशियन, तो इससे रिलेशन है। नॉर्थ अमेरिका से बिल्कुल है, ये अटलांटिक या पैसिफिक ओशियन। क्या एशिया से पैसिफिक ओशियन है? बिल्कुल रिलेटेड है। कि ऑस्ट्रेलिया से पैसिफिक ओशियन रिलेटेड है? बिल्कुल है। तो मैं अगर कहूँ कि पैसिफिक ओशियन किन किन कंटिनेंट से गुजरती है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या पैसिफिक ओशियन का रिलेशन अफ्रीका से है? बिल्कुल नहीं है। क्या यूरोप से है? बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ, इरेज करके एक सेकेंड, हाँ ठीक है, थैंक यू। अपने अगले लेक्चर्स में हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे और बहुत ही डिटेल से देखेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे फर्स्ट सीजन्स को देखेंगे कि किस तरह से सीजन्स चेंज होती है। मैंने आपको बताया कि इक्वेटर बताया 23.5 डिग्री में, मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऊपर में मैंने बताया 66.5 डिग्री में आर्कटिक सर्कल है, मैंने आपको नीचे बताया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5 डिग्री साउथ में, और मैंने अंटार्कटिक सर्कल भी बताया। ये सब इस 23.5 डिग्री में ही क्यों है, मैं यहाँ तक आपको बताऊँगा, आप एकदम बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये तो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया सीजन्स, और सेकेंड जो है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का जो TUD लॉन्गिट्यूड का टाइम एंड डेट के साथ क्या रिलेशन है, ये एक टॉपिक आता है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि किस तरह से टाइम चेंज होता है। तब तक के लिए इस और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल्स पे गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, एटमोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या है, सभी चीज़ों पासिस के बारे में मैंने बताया हुआ है, उन सब वीडियो को भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना हुआ है, इसके अलावा आप वीडियो सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।